नमस्कार, मैं मनीषा राघव, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अटुक, एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म जो कभी बन नहीं पाई। इस फिल्म के स्क्रिप्ट को जिसने भी पढ़ा वो इस दुनिया से अलविदा कह गया। पहली बार तो ये इत्तेफाक भी माना जा सकता था, लेकिन एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एक्टर की मौत होने लगी तो इस फिल्म के स्क्रिप्ट को ही शापित मान लिया गया और छिपा दिया गया। शापित स्क्रिप्ट की कहानी शुरू हुई 1963 में। कैनेडियन राइटर मोर्डेकाई रिशलर की नॉवल द इनकम्पेरेबल अटुक पब्लिश हुई। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो कनाडा के बफिन आइलैंड में छुट्टियां बिताने आई थी। यहाँ एक लड़का उसे देखते ही एक तरफा प्यार करने लगता है। लड़का गरीब होता है और लड़की अमीर। लड़के को ये अमीरी भी नहीं सुहाती क्योंकि उसे तो बस लड़की से मिलने का ही इंतजार होता है। उससे ना मिलने के गम में वो पागल हो जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। दोनों की दर्दनाक प्रेम कहानी को बफिन आइलैंड में एक लोकगीत की तरह गाया जाने लगा, जिससे प्रभावित होकर ही रिचलर ने ये नॉवल लिखी थी। इस नॉवल को जब 70 के दशक के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नॉर्मन जेविसन ने पढ़ा तो उन्हें इसमें एक फिल्म की गुंजाइश नजर आई। उन्होंने अटुक नाम से फिल्म बनाने का फैसला लिया। नॉर्मन ने प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट को फिल्म में पैसा लगाने के लिए मना भी लिया। स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्होंने उस दौर के बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर टेड कैरोल को चुना। टेड ने स्क्रिप्ट लिखने में 2 साल लगा दिए। शूटिंग लोकेशन कनाडा चुनी गई। 1980 के आसपास फिल्म में लीड एक्टर की तलाश शुरू हुई। जॉन बेलुसी पहले एक्टर थे जिन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। उन्हें अटुक में लीड रोल के लिए 1982 में अप्रोच किया गया था। जॉन को स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई, लेकिन कुछ महीने बाद यानी 5 मार्च को वो होटल रूम में मृत पाए गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बेलुसी की मौत हुई थी तो उनके टेबल पे अटुक की स्क्रिप्ट रखी हुई थी। बेलुसी की मौत के बाद फिल्म बीच में ही लटक गई। मेकर्स मायूस हो गए। 4 साल के बाद हिम्मत दिखाई गई और फिर से फिल्म बनाने की प्लानिंग शुरू की गई। 1986 में इस बार विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन सैम किनीसन को लीड रोल के लिए मनाया गया। सैम ने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर काफी सोच समझ कर हामी भरी। 1988 में फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया गया, लेकिन शूटिंग के 8 दिन पहले ही किनीसन ने प्रोडक्शन का काम रुकवा दिया। उन्होंने स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करने की बात कही, लेकिन मेकर्स नहीं माने। मामला उलझ गया। फिल्म 1992 तक फिर से होल्ड पर चली गई। किसी तरह से फिल्म का प्रोडक्शन दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन इस बीच किनीसन की मौत हो गई। 10 अप्रैल 1992 की रात उनकी कार को कैलिफोर्निया में पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस घटना के बाद भी प्रोडक्शन टीम ने हार नहीं मानी क्योंकि वो जानते थे कि स्क्रिप्ट में दम है। आखिरकार 1994 में उन्होंने जॉन कैंडी को फिल्म में लीड रोल के लिए ऑफर दिया। कैंडी इस ऑफर से उत्साहित थे और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, लेकिन कैंडी के साथ भी वही हुआ जो पिछले 2 स्टार्स के साथ हुआ था। 4 मार्च 1994 की रात कैंडी काम के सिलसिले में मेक्सिको गए थे, वहीं उनकी मौत हो गई। वो केवल 43 साल के थे। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इस खूनी स्क्रिप्ट का शिकार बनने वाले अगले एक्टर जॉन कैंडी के दोस्त माइकल ओ डोनाग्यू थे। इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने स्क्रिप्ट के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका हश्र भी पिछले 3 स्टार्स के जैसा ही हुआ। नवंबर 1994 में माइकल भी चल बसे। उन्हें क्रोनिक माइग्रेन की समस्या थी। 54 साल की उम्र में माइकल की सेरेब्रल हेमरेज से मौत हो गई। माइकल की मौत के बाद फिल्म फिर से अटक गई। मेकर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बार बार उनके साथ हो क्या रहा है। वो फिल्म को बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से यानी कि पूरे 3 साल के ब्रेक के बाद 1997 में प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। इस बार फिल्म में लीड रोल में क्रिस फार्ले को ऑफर दिया गया। क्रिस फार्ले जानते थे कि उनके आइडल बेलुसी को फिल्म ऑफर हुई थी, यही वजह थी कि वो फिल्म में जुड़ना चाहते थे। लेकिन अफसोस, बेलुसी की तरह फार्ले भी बेहद कम उम्र में ही चल बसे। वो भी बेलुसी की तरह
33 साल के थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के चंद महीने के भीतर ही 18 दिसंबर 1997 को फार्ले अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट में मृत हालत में पाए गए। उनकी मौत का कारण भी ड्रग ओवरडोज था। अब बारी थी छठी मौत की। फार्ले की मौत से मेकर्स बुरी तरह टूट गए थे। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और उन्हें लगने लगा था कि अटू के स्क्रिप्ट पर फिल्म शायद नहीं बन पाएगी। लेकिन फार्ले के दोस्त फिल हार्टमैन आगे आए। फिल ने कहा कि फार्ले ने उन्हें भी स्क्रिप्ट पढ़ाई थी और वो फिल्म में लीड रोल निभाने को तैयार है। मेकर्स की उम्मीद एक बार फिर से जगी। वो फिल्म बनाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन 5 महीने के बाद फिर से अनहोनी घटना घटी। फार्ले की मौत के 5 महीने बाद फिल हार्टमैन की पत्नी ब्रायन हार्टमैन ने उनकी हत्या कर दी थी। दरअसल फिल ने ब्रायन को धमकी दी थी कि अगर वो बार बार समझाने के बावजूद भी ड्रग्स लेना बंद नहीं करेंगी तो उन्हें छोड़ देंगे। बेलुसी, किंसिन, कैंडी, माइकल, फार्ले और फिर फिल, इन एक्टर्स की मौत को देखते हुए लोगों ने अटो के स्क्रिप्ट को शापित करार दिया। ये बात हॉलीवुड में बुरी तरह से फैल गई कि शायद स्क्रिप्ट में ही कुछ खोट है, जिसके चलते 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट और ट्रेड कैरोल ने इस स्क्रिप्ट को एक बक्से में बंद करके कहीं छिपा दिया ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े और इस फिल्म को बनाने के लिए किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत।